सभी भाइयों को नमस्कार। खाली दिखाइए भर्ती। ये देखिए कोई एक धार मारी है और लाइव में बड़ी समस्या रही। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सीधी कैमरे से, दो बार लाइव आने का कोशिश किया लेकिन लाइव जुड़ा नहीं गया और उस कारण से वीडियो जो है सीधा कैमरे से शूट कर रहे हैं। और तुरंत जैसे ही ख़त्म होती है मिल्किंग, तुरंत लगभग उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आप भाई देख पाएंगे और मिल्किंग भैंस की जो है वो जुड़ पाएंगे हमारे साथ। तो नेटवर्क की समस्या के कारण 2-3 बार बीच में डिस्कनेक्ट रही ये जो लाइव थी, इस कारण से मैंने सोचा सीधी जो मिल्किंग है वही दिखा दें। लगभग 4-5 मिनट तक भैंस जो है समस्या रही, 4-3 मिनट तो आराम से लग गई होंगी भैंस, बस माए खड़ी रही। तो एक बात और कहना चाहूँगा, लगभग 12 घंटे और 20 मिनट ऊपर चले गए थे टाइम से, 20 मिनट ऊपर चले गए थे टाइम से मिल्किंग से। शाम से लगभग 20 मिनट जो है भैंस लेट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो दूसरे ब्यांत की भैंस की लाइव मिल्किंग हम चला रहे थे YouTube पे, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण ये जो मिल्किंग है दूसरे टाइम की हम मोबाइल से फ़ोन से रिकॉर्ड करके और फिर आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं। कोई भी फ़ोन जो बाल्टी के ऊपर से ना हटेगा और बिल्कुल सामने आप भाइयों के होगा, क्लियर होगा। और फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे भाई वीडियो देखते हैं, बार बार ये बात कहता हूँ, जहाँ से भी आप पशु खरीदे 2 टाइम दूध निकाल के लें, अपनी पूरी तसल्ली करके लें। और इस भैंस की जो वीडियो है वो कल दिन के टाइम लगभग 1 बजे के आसपास वीडियो इसकी शूट की थी मंजीत भाई ने, मंजीत यादव ने, तो उनके यूट्यूब चैनल पे भी आज वीडियो वो शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं। और मिल्किंग भी साथ ही मैंने लगभग 2 टाइम की मिल्किंग मैं आपको दिखा चुका हूँगा। ये देखिए जो भाई वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मैं मोबाइल से डायरेक्ट शूट कर रहे हैं बिना लाइव आए हुए, और लाइव चलाना था वीडियो लेकिन बीच बीच में नेटवर्क कट रहा था, और अगर वीडियो बनाते बनाते नेटवर्क चला जाता तो फिर मैं समझा कि वो ज़्यादा गलत होता, इसकी बजाय मैं आपको सीधी मिल्किंग दिखा पाऊँ मोबाइल से शूट करके डायरेक्ट आप भाइयों के सामने लगभग अगले जो हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही मिल्किंग ख़त्म होती है उसके 10 मिनट के अंदर अंदर आप भाइयों के सामने थोड़ा लाइव चलता तो इंटरेस्ट इस बात का रहता कि बातें होती रहती, आपके कमेंट्स बढ़ते रहते, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ जो है वो वीडियो बनाते हुए नहीं हो सकता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा सभी भाइयों से। लेकिन मेरी 100% कोशिश ये रहती है कि आपके सामने साफ़ सुथरी वीडियो लेके आई जाए। अपने फार्म से कोई भी पशु हम बताएं उसमें 1.5 लीटर 2 लीटर दूध कम बताएं तब बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये शिकायत रहती है कि भाई साहब हम 100 किलोमीटर से उस फार्म पे चल के गए, 200 किलोमीटर से उस फार्म पे चल के गए और जैसा बताया जाता है वीडियोज़ में वैसा नहीं मिला वहाँ पर। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जब भी किसी डेयरी फार्म पे आप पशु लेने के लिए जाएं तो पहले अगले से या तो वीडियो कॉल पे एनिमल्स आप देख लीजिए या व्हाट्सएप पे एनिमल्स आप देख लीजिए वीडियो मंगवा के। और मैं तो कहूँगा लाइव अगर आप देख लेते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं है। व्हाट्सएप पे तो कोई भी आदमी पुराना वीडियो भी भेज सकता है, लेकिन लाइव जब आप वीडियो कॉल पर देखेंगे तो उसमें पुराना वीडियो भेजने की संभावना जो है वो 0 हो जाएगी। भैंस देखिए काफ़ी टाइम पसमाए जो है खड़ी रही, इस कारण से थोड़ा भैंस आगे पीछे भी हो रही है,
क्योंकि लगभग बीच में पसमाने के बाद 4-5 मिनट ऐसी निकल गई कि कैमरे मोबाइल ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट रहा। एक वीडियो कल की डेट में हमने डाली थी जिसमें हमने वीडियो बनाया था वो रोहतक में राजू सपड़ा अंकल के फार्म पे, उसमें मैंने आज सुबह सुबह मैंने उसके कमेंट्स काफ़ी पढ़े। तो बताना चाहूँगा भाइयों, राजू सपड़ा जी जो ब्रोकर का काम करते हैं किसम से, जो वीडियो में उन्होंने रेट बताया था वो सब हरियाणा के किसानों की जेब में वो पैसा गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ उसमें ज़्यादा ही कुछ कमा लिया। उनका जो फिक्स कमीशन होता है वो लेते हैं, बाकी कोई ज़्यादा तांग जांग नहीं होता। डायरेक्ट किसानों की, पशुपालकों की जेब में वो पैसा जा रहा है। आप ऐसा ना समझें कि राजू अंकल ने वो इतनी महंगी 5-5 लाख रुपए की भैंस बेची हैं तो उन्होंने खुद बेची हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोच समझ के कमेंट्स में कहूँगा करने चाहिए, बाकी बहुत सारे भाई बिना सोचे समझे कर लेते हैं, भाई उनका भी मोस्ट वेलकम है, उनका भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और बाकी करना चाहिए सोच समझ के। थोड़ा पीछे पीछे हम बोल रहे हैं इस कारण से भी जो भैंस है वो दिक्कत कर रही है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 4-5 मिनट भैंस पसमाए खड़ी रही और उसके बाद जो है मिल्किंग शुरू हुई है। थोड़ा कम बोलेंगे ताकि भैंस जो है हिले डुले ना। और कल की जो वीडियो हमने ख़त्म किया था क्वालिटी वाले दूध के ऊपर या क्वालिटी वाला जो अनाज है उसके लिए, तो अभी जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, हमारा जो गेहूं है, बाजरा है, जितने भी हम जिन अनाज को हम खाने में यूज करते हैं तो वो क्वालिटी पैदा करने लगे हैं। तो बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि आप दूध में भी ऐसे ही कीजिए, क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी को छोड़िए। 15 लीटर दूध देने वाली जो भैंस है उसका अगर बच्चे को आप 3 लीटर दूध दोनों टाइम का छोड़ोगे, 4 लीटर भी छोड़ दोगे, तो 10-11 लीटर दूध आपके घर में जाएगा, वो बहुत बढ़िया मैं मानता हूँ। और 20 लीटर के चक्कर में बहुत सारे भाई पैसे जो है उनके ठगे जाते हैं, वो गाभिन पशु उठा लेते हैं, बहुत बार हमने देखा है खीस में पशु उठा लेते हैं। और कोई भी आदमी जो है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ब्याने से पहले किसी भाई की भैंस 20 किलो दूध देती है, जब वो ब्याने के नज़दीक लगती है तो 22 किलो पे आ जाती है, जब उसका बच्चा बाहर निकल जाता है पेट से, जेर गिरा देती है, वो बच्चा दूध पी लेता है, खीस में वो जब तक रहती है तो वो 20 किलो पे आ जाती है, और जब खीस से खाली हो जाती है तो वो 17 किलो पे आ जाती है। और फिर जैसे ही वो भैंस खीस से खाली करके रियलिटी का दूध देती है तो वो 14-15 पे आ जाती है। तैयार दूध की भैंसें हम अपने फार्म से बेचना पसंद करते हैं, कभी भी खीस में या 3-4 दिन की ब्याई हुई भैंस बेचना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ये कह रहे हैं कि ये 17 देगी, 18 देगी, और वो दूध किसी भाई के घर जाके ना निकले। ये जो जोटी सामने आप देख पा रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ी बात करें, दूसरे ब्यांत की है, दूसरे लैक्टेशन की है, और जो है इस जोटी के साथ में कटड़ी है और टाइट अडर की है, बढ़िया साफ सुथरी चुआई की है, पैरों के बीच का अडर है। दूसरी बाल्टी में अभी माप देंगे दूध। एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कल के
कांटे पे दूध रख के दिखाइए। अभी जोटी लगभग मेरे ख्याल से 15 दिन की ब्याई हुई होगी, मेले से भी शायद नहीं लगी है अभी तक। और जो पशु नया नया अपने फार्म पे आया है, मेले से नहीं लगा है और 15 दिन का ब्याया हुआ है, किसी भी पशु को चाहिए लगभग एक महीना पूरे तरीके से तैयार होने में, कांटे पे दूध रखने में। उसको कांटे पे दूध कोई भी आदमी तोल के देता है तो मान के चले उसको थोड़ा ऐसी डाइट भी दी जाती है कि दूध में वजन हो, कि देखिए बिल्कुल सारे के सारे लीटर बाल्टी बिल्कुल खाली। तो एक महीने की जब ब्याई हुई होगी उस दिन आप भाइयों के सामने लेके आएंगे, कांटे पे भी तोल के दिखा देंगे, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस मैं नहीं मानता कि होता है। बच्चे के लिए भी दूध सर्दी का टाइम में छोड़ा गया है। तीन, चार, आराम था भाई, पांच, छह, सात, मान के चल भाई 9 लीटर दूध है बच्चे को छोड़ के। और कल जो हमने वीडियो डाली थी, कल जो वीडियो भी शूट की थी भाइयों ने, जो यूट्यूब वाले भाई हैं, चाहे वो संदीप यादव हों चाहे वो मंजीत यादव हों, और उस वीडियो में हमने 18 लीटर दूध बताया था जोटी का, और 9 लीटर दूध बच्चे को छोड़ के इस जोटी का हुआ देखिए। और थोड़ा सा जोटी शाम की बजाय, अगर शाम वाली वीडियो आप देखोगे और अभी की वीडियो देखोगे, आगे पीछे हिलना, उसका कारण ये रहा कि पसमाने के बाद भी भैंस 4-5 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन शाम को जब दूध निकालने के बाद हमारी रवि से बात हुई तो रवि ने कहा था कि सुबह 10 लीटर दूध आराम से खुला देगी, क्योंकि जितनी बार भी हम वीडियो बनाते हैं 2 लीटर दूध कम बताने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कभी भी नहीं बताते हैं। ठीक है भाइयों, जितने भी भाई आखिर तक बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।